अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 155 पॉइंट के साथ इंडेक्स 43,016 की सतह पे बंद रही। मार्केट में आज हमने देखा कि मार्केट में गैप अप का आगाज़ हुआ, मगर मार्केट उससे सस्टेन नहीं कर पाई। और फिर हमने देखा मार्केट में लोज भी लगे, फिर मार्केट ने थोड़ी रिकवरी की और फिर कोई बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं रही, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग नहीं हुई। मज़ीद तो हम इसे टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखेंगे। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वॉल्यूम्स में एक बहुत बड़ी कमी आई है, 186 बिलियन के वॉल्यूम्स KSE ऑल में लगे। ये बता दिया जाए कि फ्राइडे को 500 मिलियन के भी वॉल्यूम्स क्रॉस हो गए, तो मोर देन 50% से ज़्यादा 60-70% का डिक्लाइन हमने वॉल्यूम्स में अकेले में देखा है। इवन KSE 100 इंडेक्स में भी एक वॉल्यूम्स में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया कि जहाँ 200 मिलियन से वॉल्यूम प्लस थे, वो आज सिर्फ 81 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे। ओवरऑल आज स्टॉक्स की भी बात की जाए तो मतलब कोई स्टॉक्स में कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं रही, सिवाय TPLP में स्टिल परफॉर्मेंस रही। खैर इसमें तो एक न्यूज़ भी आई हुई है, इसमें एक परफॉर्मेंस रही। PRL में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही, सिनर्जी नेगेटिव रहा, GLGL भी सिर्फ 9 पैसे ही प्लस रहा, जहाँ OGDC ऑयल सेक्टर अमेजिंग चलता रहा। ये आपको हमारी टिप भी दिया गया था थर्सडे की वीडियो में, ठीक है, थर्सडे की वीडियो में आपको ऑयल सेक्टर का खास कर टिप दी गई थी। और आज OGDC ने 4% अपवर्ड की तरफ मूवमेंट दी अमेजिंग वॉल्यूम्स के साथ। फिर WTL आ गया आपका, फिर PPL की भी टिप दी गई थी लेकिन उसमें इतना ज़्यादा तेज़ी नहीं आई। फिर पाक इलेक्ट्रॉन में नेगेटिविटी रही, जहाँ टेलीकार्ड में भी नेगेटिविटी रही, और SNGP भी आपका अपर कैप की तरफ रहा, तो एक अच्छी चीज़ रही है। जहाँ एडवांसर्स में भी कुछ एडवांसर्स देखने को मिले, को खास करिए ये तकरीबन सारे जो एडवांसर्स हैं तकरीबन सारे इलिक्विड शेयर्स है। मज़ीद अगर हम बात कर ली जाए टॉप डिक्लाइनर्स की, तो ये भी तकरीबन सारे ही इलिक्विड शेयर्स के अंदर ही आते हैं। मज़ीद देखा जाए तो जो क्रूड ऑयल है वो $115.50 के करीब करीब ट्रेड करे, जो कि बहुत हाई है। ये हमारी ट्रेड डेफिसिट को आगे आने वाले दिनों में हर्ट कर सकता है, मज़ीद इजाफा हो सकता है ट्रेड डेफिसिट में। फिर हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसमें भी मसला कर सकता है। जहाँ पे डॉलर को देखा जाए तो डॉलर में ऑल दो हमने ये देखा है कि पाकिस्तानी रुपये डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ज़रूर हुआ है, तो ये तो कुछ न्यूज़ रही। अब हम अगर बात करें टेक्निकली इंडेक्स को, अब टेक्निकली क्या मूव बन सकती है उसके ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे सामने डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग है, तो देखिए अगर आज आप डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग को देखेंगे तो खासकर हम एक चीज़ ये नोटिस कर रहे हैं कि ना मार्केट में कोई सच ना मार्केट में कल का हाई ब्रेक हुआ, आप ये देखें ना मार्केट ने कल का हाई ब्रेक किया, ना ही मार्केट ने अपना कल का लो ब्रेक किया, ठीक है, मार्केट ने ना अपना हाई ब्रेक किया ना अपना लो ब्रेक किया, तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रही, ठीक है। तो आज मार्केट एक रेंज में परफॉर्म करते रहे, जहां कुछ स्टॉक्स थे जैसे कि TGL, इसने अपने कल का लो भी ब्रेक किया और 3% के साथ नेगेटिविटी रही। अब जो जब एक चीज़ एक लो ब्रेक करती तो उसका एक मतलब होता है कि डाउन ट्रेंड का आगाज़। यहाँ तक कि अगर हम सिनर्जी को देखें तो सिनर्जी ने भी अपना एक इम्पॉर्टेंट लो ब्रेक कर दिया कल का, तो ये एक नेगेटिव चीज़ हो गई, तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड का आगाज़ हो चुका है। लेकिन अभी तक इंडेक्स का डाउन ट्रेंड का आगाज़ अभी नहीं हुआ है। इवन अब FCEPL को देख ले, ये वो चीज़ें हैं, वो स्टॉक्स हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी अब नेगेटिविटी का आगाज़ हो चुका है, ठीक है। मज़ीद अगर हम दूसरे स्टॉक्स को भी देखें तो काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं, लेकिन अभी इंडेक्स एक बात याद रखे, अभी तक इंडेक्स में ऐसे सच कोई नेगेटिविटी का आगाज़ नहीं हुआ। कुछ स्टॉक्स में हुआ, कुछ स्टॉक ने जाहिर सी बात अपने हाई भी ब्रेक किए, जाहिर सी बात है जैसे OGDC हो गया, लेकिन ये कि अभी जो इंडेक्स है वो रेंज बाउंड चल रहा है। इंडेक्स में जैसा कि एक एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ्स आपके शॉर्ट हाईली ओवरसोल्ड की पोजीशन में जा चुके थे, इसकी क्या वजह थी कि इंडेक्स फ्राइडे के दिन तकरीबन 500 से 700 पॉइंट नीचे बंदवा था, इसलिए उसके अगेंस्ट हमें एक रिकवरी देखी, अगेंस्ट दैट 500 to 700 पॉइंट्स के अगेंस्ट आज हमें एक रिकवरी मिली है। और अब एक बात याद रखिएगा, अब जो मार्केट नए लेवल्स निकालेंगे, मार्केट पास जैसे मैं पहले कहता हूँ, अगर मार्केट 43,500 को ब्रेक कर देगी, हम यहाँ पे 1,000 से 1,500 पॉइंट की जगह देख पाएंगे। यही बात जो मैंने फ्राइडे को कही थी, वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट 43,500 को सस्टेन कर जाती है, ब्रेक कर जाती है, नो डाउट हम यहाँ से एक मज़ीद 1,000 से 1,500 पॉइंट की रैली देख पाएंगे। मगर अगर मार्केट नीचे के लेवल्स ब्रेक करती है, 42,500 जैसे हो गया, वो लेवल्स हम वापसी अगेंस्ट आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको कल शेयर किए गए थे बेसिकली।
तो उसके अगेंस्ट भी हम ये देख पाएंगे कि फिर मार्केट में एक बड़ी बहुत बड़ी नेगेटिविटी का भी आगाज़ हो सकता है। ठीक है, हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और थोड़ा सा एनालाइज करते हैं मार्केट की आज की मूवमेंट को, और उसके बेसिस के ऊपर कल की मूवमेंट को हम थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, तो थोड़ा मार्केट में एडजस्टमेंट में थोड़ा हमने पॉइंट्स में ऊपर देखा है। अब देखिए, यह है मार्केट में एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल की फॉर्मेशन। अब ये जो ट्राइंगल सिमेट्रिकल तो उतना नहीं है, लेकिन एक ट्राइंगल ज़रूर है। अच्छा, अब ये ट्रायंगल की अगर हम खासियत देखें तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इसमें हमें मार्केट हायर लोस लगा रही है और लोअर हाई लगा रही है, मतलब मार्केट का ट्रेंड में एक साइडवेज ट्रेंड है। अब मार्केट पास जो इम्पोर्टेंट लेवल्स आएंगे, मार्केट ने काफ़ी हद तक इस लेवल को काफ़ी हद तक ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, इस ट्रायंगल को नेगेटिवली मैं अगर इसी ट्रेंड लाइन को ऊपर से यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ और इसको अभी हम अगर क्लोन कर देते हैं, यहाँ पे जाऊँगा मैं एक सेकेंड क्लोन, तो अब यहाँ पे यही इसको हम उठा के यहाँ पे टारगेट भी रख सकते हैं, क्योंकि अराउंड अराउंड काफ़ी नीचे बनता है। ठीक है ना, 42,330 का बनता है, जो कि इधर भी एक सपोर्ट आ रही है, तो 42,300 आगे जाकर एक लेवल आपके पास इम्पोर्टेंट लेवल आएगा। तो ये तो एक तरीका होता है टारगेट्स बुक करने का। अब देखिए, अब मार्केट पर जो इम्पोर्टेंट लेवल है, पहली सपोर्ट लेवल आ रही है 42,900, जहाँ से मार्केट बाउंस बैक हुई आज, तो मतलब एक इसकी इम्पोर्टेंस आ गई है। और फिर जो होगा वो 42,782 से 750, ये दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट है। इवन अगर 42,900 भी ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिविटी का रुझान बन सकता है, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे दें। और अगर 42,700 के नीचे क्लोजिंग दे दें तो मैं समझता हूँ एक मज़ीद बड़ी नेगेटिविटी का आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं आवर्ली टाइम फ्रेम में आ जाऊँ तो अगेंस्ट इतनी बड़ी जो एक मार्केट की मूवमेंट थी तकरीबन 41,356 से, तो ये जितनी भी बड़ी एक इम्पल्सिव वेव थी उसके अगेंस्ट मार्केट ने कोई करेक्शन नहीं ली। अगर इधर भी मैं आपको दिखाऊँ फिबोनाची में एक सेकेंड जी, तो इधर हमें एक चीज़ पता चलेगा कि मार्केट का जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वो 42,700 का है। ये चीज़ मैंने फ्राइडे के दिन नोट करवाई, तो अराउंड आप ये सपोर्ट देख सकते हैं 42,700 के पास आ रही है। अच्छा, अब ये जो लेवल है 42,700 का, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल, इसके ब्रेकआउट के बाद फिर इंडेक्स के अंदर एक जगह बनेगी 42,400 से लेकर 200 तक की, बहुत फिर रेंज मूविंग होगी कि मार्केट में 42,200 को भी आपके टच कर जाए। और 42,200 के ब्रेक होने पर मार्केट में एक बड़ी नेगेटिविटी बन सकती है, जो कि फिर मुझे डर होगा कि मार्केट इस लो को टच करे 41,500 के करीब था, या उसके भी नीचे जाकर 40,600 पर जाए। वो चले, वो तो लॉन्ग टर्म की बात है। ठीक है, हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, ये बात मैंने बता दी, आगे मैं इतना ज़्यादा इस बात को डिस्कस नहीं करूँगा, तो एक बात मैं रिपीट करना नहीं पसंद करता। तो अब यहाँ से अब हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में चलेंगे। ये जो बिग लेवल था वो अब आप लोगों को बता दिया गया मार्केट में कैसे काम कर लें, अब शॉर्ट टर्म में चलते हैं। शॉर्ट टर्म में मतलब कल के लिए। देखिए, आप लोगों की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर चाहे इंडेक्स आज का हाई ब्रेक करता है तो ठीक है, इंडेक्स में मज़ीद एक गुंजाइश बन सकती है, वरना इंडेक्स के अंदर क्योंकि वापसी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने की बातें हैं तो ये हमारी इंडस्ट्रीज को काफ़ी हर्ट करेगा। तो फिर हम एक रैली देख सकते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म भी जो लेवल है 43,100 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसे भी ब्रेक करती है मार्केट तो एक शॉर्ट टर्म में हम अप मूव देख पाएंगे मार्केट में, नथिंग मोर। ठीक है, अब देखिए मैंने एक और फिबोनाची ड्रॉ किया है अगेंस्ट दिस, जो फॉल मार्केट ने 43,500 से की थी 42,700 तक, उधर का मैंने एक और मार्केट में एक फिबोनाची ड्रॉ किया। अब ये 61% का रेशो आ रहा है 43,250 पे। ठीक है, ये आ रहा है 43,250, इसके ब्रेक होने पे या सस्टेन होने पे आप एक एंट्री ले सकते हैं, बाय एंट्री शॉर्ट टर्म के लिए, मजीद मतलब 100 से 200 पॉइंट के लिए, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दें। ठीक है, वरना अभी मार्केट का पहला रेजिस्टेंस 43,070 या 100 का आप समझ लीजिए, ये दो लेवल्स है। 43,250 ब्रेक होगा, आप इसमें शॉर्ट टर्म में एक रैली देख पाएंगे मार्केट में, तो 43,250 के ऊपर आप एक मूव देख पाएंगे, नथिंग मच है मार्केट में फिलहाल, तो मार्केट एक साइडवेज ही चल रही है, जिस तरह ब्रेकआउट आए उसी में आपने एक अपने आप में एक ट्रेड लेनी चाहिए। चले, ये तो काफ़ी अच्छा हमने डिस्कस कर लिया एक इंपॉर्टेंट लेवल्स को, इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, इन वेव्स को याद रखिएगा, जिस तरीके से मार्केट में एक मूवमेंट आती है, इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव्स। ठीक है, इसी के साथ में ट्रेड बनाइएगा, मैं समझता हूँ कि वॉल्यूम्स में थोड़ी कमी आई है, कोशिश कीजिए ब्रेकआउट्स पे ट्रेड कीजिए, तो मार्केट ने अभी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक नेगेटिव ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो अभी तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल अब हम आपके कॉमेंट सेक्शन पर चलते हैं और आप लोगों ने जो कॉमेंट्स किए हैं वो स्टॉक्स हम एनालाइज करते हैं।
तो ओवरऑल मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे दूँ तो देखिए मेरे नज़दीक तो मार्केट में गेन अच्छा आ चुका है, तो मेरे नज़दीक मार्केट में एक थोड़ी सी डिप आनी चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है बहरहाल। लेकिन लेवल्स के ऊपर आपने काम करना है, जितने लेवल्स दिए गए उनके ब्रेकआउट पे आपने काम करनी है। तो मेरा ओपिनियन तो बहरहाल ओपिनियन ही है, जाहिर सी बात है मार्केट तो ओपिनियंस के ऊपर नहीं चलती है, मार्केट चलती है लेवल्स के ऊपर, ठीक है। तो इन्हीं लेवल्स को अपने उसमें फोकस में रखिए। चलिए अब हम चलते हैं आप लोग के कॉमेंट्स के ऊपर। मिस्टर समनानी ने कहा है, ग्रेट रिव्यू एज ऑलवेज, प्लीज डिस्कस ट्रीट एंड इट्स सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। ट्रीट कॉर्पोरेशन आ चुका है वापसी अपने वही गोल्डन लेवल के ऊपर बेसिकली, जो कि बनता है 2982 से लेकर 2937 का। लेकिन जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ डाउन ट्रेंड के अंदर होती है तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो इस गोल्डन लेवल का रिस्पेक्ट नहीं करती। जो चीज़ अप ट्रेंड में होगी उसके अंदर गोल्डन लेवल की रिस्पेक्ट होगी। बहरहाल 2937 से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर 29 एक राउंड फिगर ले लीजिए, 2937 है, 2870 है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये आप याद रख लीजिएगा। जो सपोर्ट लेवल है वो है 2790। ट्रीट कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो आज इसने बेसिकली जो अपना हाई है, जो सॉरी अपना लो है, वो अपने प्रीवियस लो से ब्रेक किया है, तो एक ये नेगेटिव इंडिकेशन है, एक डाउन ट्रेंड की इंडिकेशन एक बनती है। बहरहाल अभी जो इसके सपोर्ट लेवल्स आप लोग बता दी गए, जो रेजिस्टेंस लेवल्स है वो है, का जो अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 30 रुपये 40 पैसे है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर शॉर्ट टर्म में एक अप मूव का आगाज़ हो सकता है। शॉर्ट टर्म का ना मतलब कि एक इंट्राडे पोजीशन बनाने के लिए, मतलब 50 पैसे 31 रुपये तक टारगेट लेने के लिए वो है, और अगर 31 रुपये का लेवल ब्रेक होगा फिर जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल आएगा वो होगा 31 रुपये 50 पैसे। तो इसके शॉर्ट टारगेट से जाहिर सी बात है इसके अंदर वॉलेटिलिटी कम हो रही है आजकल, तो जिस शेयर में वॉलीटिलिटी कम होती है जाहिर सी बात है उसमें टारगेट्स भी कम ही मिलते हैं। जहां अगर हम बात की जाए डेली टाइम फ्रेम में, तो 32 रुपये का जो लेवल आ रहा है ये तकरीबन 32 रुपये के ऊपर अगर क्लोजिंग देने में कामयाब रह जाता है तो तकरीबन 33.5 से लेकर 34 तक की भी आपको इसमें मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन स्टिल अभी तो इसमें जो लेवल्स हैं वो आपको सपोर्ट लेवल्स बता दिए गए हैं। फिर आ जाते हैं ताहिर खान ने कहा, थैंक यू फॉर अनदर डिटेल्ड रिव्यू, थैंक यू वेरी मच ताहिर खान, काइंडली इफ़ यू कैन रिव्यू ATRL ऑन अ वीक टू मंथ बेसिस। जी ज़रूर। अब आप ATRL को भी देखें मंथली बेसिस के ऊपर, या जो मैं आपको लेवल्स बताता हूँ, जो ट्रिक्स आप लोगों को बताए गए हैं, अब वही चीज़ आप इसमें देखिए कि ATRL ने जो 413 का हाई मारा था 2017 में, उसके अगेंस्ट उसने एक लो मारा कब 2019 में, कितने का 64 रुपये का, उसके अगेंस्ट उसने कोई एक रिकवरी नहीं ली, उसने एक रिकवरी ली 280 तक की, और इसी गोल्डन लेवल जो पे ये 61 से लेकर 50 का ये बनता है, इसी गोल्डन लेवल से इसने रिजेक्शन खाए, तब आप ये इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं इस लेवल की। बहरहाल अभी अगर बात की जाए ATRL की, तो ATRL जाहिर सी बात है थोड़ा ये लोअर लोज लगा रहा है। अब जो इसका जो लेवल आ रहा है, अब वो इस जो 280 से लेकर का जो उसने डाउनफॉल लिया था 109, उसके अगेंस्ट एक रिकवरी ले रहा है बेसिकली। अब जो इसके जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आएंगे वो है, और ये मंथली बेसिस के ऊपर भी काफ़ी अच्छा है, ये हायर हाई लगा रहे ATRL। बहरहाल अभी जो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगी 180 के ऊपर आएगी, और फिर जो बिग लेवल है वो 200 से लेकर 220 का है बहरहाल। और अगर इसका जो डाउन लेवल है 114, अब ये मंथली बेसिस है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर रेंज बहुत ज़्यादा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जाहिर सी बात है रेंज बहुत बड़ी होगी, और जाहिर सी बात है कि जो इसका रिजल्ट है वो आपको महीनों में दिखेगा। बहरहाल 180 के ऊपर अगर ये सस्टेन करते हैं नो डाउट 200 से लेकर 220 के हम मूवमेंट देख सकेंगे इसके अंदर। बहरहाल अगर हम वीकली बेसिस के ऊपर खासकर ATRL को एनालाइज करते हो, ये एक अच्छा हमें एक चीज़ जो दिख रही है कि एक टाइप ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। क्योंकि देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, जो पैटर्न्स आपको मिलेंगे ना चार्ट्स पे वो हमेशा 100% एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेट से मुराद कि 100% जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं वैसा ही नहीं होंगे, मेन है कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है। तो अभी आप इधर देखें तो टाइप ऑफ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। इसका जो ब्रेकआउट है वो इस ट्रेंड लाइन पर बेसिकली आना है, मैं इसे एक सेकेंड क्लियर कर दूँ। तो ये ट्रेंड लाइन की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके पास, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट आता है तो नो डाउट हम इसमें एक अच्छी एक मूव देख पाएंगे। ओवरऑल ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। अब आप देखिए अभी हायर, जैसे आप देखेंगे इधर तो ये हायर लोज बना रहा है और ये हायर हाइज लगा रहा है, तो ये अप ट्रेंड का आगाज़ है। बहरहाल शॉर्ट टाइम फ्रेम मतलब वीकली बेसिस के ऊपर अप ट्रेंड का आगाज़ है, लेकिन जाहिर सी बात है उसके अंदर जो डाउनफॉल्स भी होगी वो एक काफ़ी बड़ी होगी। जैसे कि अगर इसकी इधर की लेवल्स की बात की जाए
ओवरऑल अगेंस्ट इतनी बड़ी जो 131 से इसने 174 की मूव बनाई फिलहाल डेली टाइम फ्रेम में, तो उसके अगेंस्ट जो सपोर्ट है वो उससे 158, 153 और 148 के अराउंड आपको मिलेगी। फिर दिलबर मिरानी कहते हैं वेरी यूजफुल एनालिसिस एज यूजुअल, थैंक यू वेरी मच। एहसन अहमद कहते हैं, एहसन अहमद कह रहे हैं रिग्रेस एनालिसिस प्लीज़ अपडेट अबाउट इत्तेफाक PPL AVN GL इन सिर्फ। आपने काफ़ी सारे शेयर्स दिए एहसन साहब, मैं दो शेयर्स इनमें से करूँगा, एक AVN हो गया है और एक GL। देखिए एहसन साहब, AVN की अगर बात की जाए तो AVN एक लगा रहा है लोअर लो, आज का भी जो इसने लो था वो इसने अपने प्रीवियस लो जो डे का लो था उसे ब्रेक कर दिया, उसके अगेंस्ट इसमें एक बहुत एक अप मूव आई थी, मैंने इवन इसकी बाय कॉल भी दी थी अपनी वीडियो में जिस दिन मैंने जीरो लेवल के स्टॉक्स बताए थे। तो अब इधर आप देखेंगे तो ये जो इस गेन था इसे 23% का गेन किया, आप मैं अगर इधर से दिखा दूँ चले इस लेवल से, तो विद इन आप समझ लीजिए 3 दिन के अंदर इसने 23% का गेन दिखा दिया, उसके अगेंस्ट इसने अभी तक एक डाउनफॉल की मूवमेंट नहीं ली है। देखिए अभी जो इसका सपोर्ट लेवल 80 है वो ब्रेक होगा तो 77.84, फिर 76 का और 74 का, जहाँ 76 से 74 एक अच्छा एक्यूमुलेशन एरिया रह सकता है AVN के लिए। न्यू तेज़ी इसमें 84 के ऊपर ही स्टार्ट होगी, उससे पहले इसमें प्रॉफिट टेकिंग ही बननी चाहिए। 84 अगर ये ब्रेक करेगा तो इसमें आपको एक न्यू रैली देखने को मिलेगी, वरना ये जो इतनी बड़ी जो तेज़ी है उसके अगेंस्ट देखिए प्रॉफिट टेकिंग करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट शेयर है वो है GL, ये मैं 15 आवर की टाइम फ्रेम हूँ। तो देखिए GL की भी बात की जाए तो GL ने भी एक मूव दिखाई थी 14.90 रुपये से लेकर तकरीबन 21% की मूव दिखाई थी तकरीबन 18 रुपये तक की, और विद इन इसकी भी टाइम बात कर 25 में से लेकर ये भी 27 में, तो 2-3 दिन के अंदर इसने भी 20-21% की मूव दिखा दी। अब देखें उसके अगेंस्ट वही बात, इसने एक रिकवरी डाउनफॉल नहीं ली जो कि इसने अब लेते हुए हमें नज़र आया है। अब देखें इसके जो सपोर्ट लेवल है वो पहला है 16.91 रुपये, अराउंड 17 रुपये समझ लीजिए, अल्लाह ने अगर ये ब्रेक होगा तो इस 16.5 से 16 तक मूव कर सकते हैं, 16.5 से 16 आप लोग के लिए एक एक्यूमुलेशन एरिया रह सकता है जहाँ 16 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। इससे मजीद अगर हम डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा बिगर पिक्चर लेने की कोशिश करें, डेली टाइम फ्रेम में हम आ जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में जो इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 17.71 रुपये, अगर इसके ऊपर ये डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देने में कामयाब रह गया तो हम इसे 18.5 से 19.20 रुपये तक की भी एक मूव देख सकते हैं। ओवरऑल ये देखिए भी ओवरबॉट जोन में है, इसमें भी अब हम लोग को डाइवर्जेंस दिखेंगी, अगर ये भी ये हाई भी ब्रेक कर देगा अपनी जो इसने लगाया है 17 रुपये का, तो उसके ऊपर भी हम मेरे नज़दीक हमें बहुत जल्द एक प्रॉफिट टेकिंग दिखने का मिल सकती है, तो इसमें भी एक डिप्स के इंतज़ार करना चाहिए। पलवशा चौहान ने कहा है एक्सेलेंट एनालिसिस एज यूजुअल प्लीज़ रिव्यू ऑन GL हो गया। मसूद अहमद खान कहते हैं US डॉलर विल ड्रॉप टू 190 बिफोर 30 जून 2022, अल्लाह करे। मौज़म नकवी साहब कह रहे थे हमसे भाई वेरी इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस प्लीज़ इन्फॉर्म अबाउट पहले एज वेल इन योर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आई विल बी ग्रेटफुल। देखिए पाक इलेक्ट्रॉन की भी अगर हम बात कर ले तो इसने एक बिगर टाइम फ्रेम में एक डबल बॉटम लगाया था, ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं बिगर टाइम फ्रेम में जहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाए तो इसने एक डबल बॉटम से उठा था जो कि 15 रुपये के लेवल बनता है। अब यहाँ पे देखें तो जो डबल बॉटम रिकवरी होती है उसके ये एक होती है स्ट्रॉन्ग बुलिश रिकवरी, जहाँ होता है कि अब यहाँ से ट्रेंड आपका चेंज हो जाना चाहिए। अच्छा अब इधर आप देखेंगे तो अब जो इसके पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो अगर अब ये अगर इस लेवल्स को अब मेंटेन कर ले, मतलब अब इस लो को ब्रेक नहीं करे, तो हम एक लॉन्ग टर्म के लिए एक तेज़ी देख पाएंगे, लेकिन वो जाहिर सी बात है हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जाहिर सी बात है एक साथ आगे का नहीं करना चाहिए। अभी देखिए अब जो इसके लेवल जाएंगे वो बिगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है वीकली टाइम फ्रेम का मतलब अफेक्ट आपको महीनों में मिलता है, 2 महीने हो सकता है, 1 महीना, 2-4 महीने भी लग सकते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम अगर ये 19 के ऊपर सस्टेन करता है तो नो डाउट हम इसमें टारगेट बना सकते हैं 22.5 रुपये से लेकर तकरीबन 25 रुपये का भी, ठीक है। अभी जो इसके एक इंपॉर्टेंट लेवल आएंगे फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में, मैं इधर आ जाता हूँ जी। अब जो शॉर्ट टर्म में हम इसमें अब एक मूव्स लेंगे वो होंगे बेसिकली आपको 18 रुपये के ऊपर मिलेगा, जो इसका अच्छा मूव है स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव 18 रुपये के ऊपर मिलेगा, क्योंकि इसने वही गोल्डन रेशो 61 से लेकर 50% के रेशो से रिजेक्शन खाया, ठीक है। आज की इसकी बात की जाए तो अभी ये अपने प्रीवियस डे के लो के आसपास है फिलहाल, मजीद हम आवर्ली टाइम फ्रेम में आ जाए। अब जो इसके आवर्ली टाइम फ्रेम में लेवल्स बनेंगे वो बनेंगे
जो सारे 16 पैरेलल है। अल्लाह ना करे अगर ये ब्रेक होता है तो ये आपको 16 रुपए के अंदर अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है। जहाँ शॉर्ट टर्म रिकवरी 16 रुपए 26 से 16 रुपए के दरमियान है, इधर आप शॉर्ट टर्म एक्युमुलेशन कर सकते हैं लेकिन फिर बहुत क्विक, क्योंकि अगर ये डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया तो भी आपने इसमें कोशिश होनी चाहिए बहुत जल्दी अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। मतलब आपको 50 पैसे भी मिले तो आपने एग्जिट कर लेना है, स्टॉप लॉस आपका 15 रुपये 80 पैसे के नीचे रहेगा। इसी के साथ चले इजाज़त चाहता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हमने एनालाइज कर ली, तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ अमजा वसीम PSX एनालिसिस से।